आकाश रॉय एंड आई एम वेलकमिंग यू टू माय चैनल आकाश स्टेम एजुकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स और डियर जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत एक डाउट क्लियरिंग एक सेशन है। एक्चुअली मैं परसों एक वीडियो जो है अपलोड किया था, आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते, थंबनेल है और डिस्क्रिप्शन भी आपका और वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वीडियो को देख ले। उस वीडियो था 70% जो क्राइटेरिया है बोर्ड्स का, 70% नंबर जो है स्टूडेंट को लगते हैं जेई मेन क्लियर करने के बाद एडवांस देके आईआईटी के में जाने के लिए। वो जो क्राइटेरिया है वो इस साल गवर्नमेंट ने जो है वो नहीं रखा है स्टूडेंट के लिए ड्यू टू द कोरोना वायरस। बट स्टूडेंट्स का ये जो गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया पास करवाया उसके ऊपर स्टूडेंट्स का बहुत बहुत अपना अपना क्वेश्चन था। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन मुझको किया, सेंड किया, और वही सारे क्वेश्चंस का, वही सारे कमेंट्स का आज जवाब दूंगा। और मुझे लगता है इस सेशन के बाद जो सारे स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हो उन लोगों का भी ये डाउट रह सकता है, इस ये जो डाउट है ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा पहला सवाल देख सकते हैं यहाँ पे कि ये है समीरिया देव से। उन्होंने कहा है कि सर इन केस ऑफ एलिजिबिलिटी is there any chance of removing 75% criteria in boards for this year in IIST Sidhpur? तो सैमिलिया आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि IIST Sidhpur ये जो संस्था है एक्चुअली किसके अंडर पड़ता है आपको देखना पड़ेगा। NIIT जो NIIT के अंडर पड़ता है एक्चुअली। IIST Sidhpur एक डिफरेंट संस्था है बट ये स्टूडेंट को रिक्रूट करते हैं कैसे, जैसे NIIT करती है। तो NIIT के लिए क्या इस साल वो 70% क्राइटेरिया रहेगा कि नहीं रहेगा, ये चीज पहले देखना जानना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ी देर बाद मैं देता हूँ और सारे जो कमेंट्स है उसको लेता हूँ, उसके बाद आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा आपका आंसर, ये मैं 100% श्योर हूँ। तो चलिए बढ़ते दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे इन्होंने कहा है रोशन ने कहा है क्वेश्चन कि सर द रिलैक्सेशन इज ओनली फॉर CBSE और ऑल द स्टेट बोर्ड्स प्लीज रिप्लाई। तो देखो रोशन, एक चीज मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि ये जो 75% क्राइटेरिया है ये क्राइटेरिया कोई बोर्ड देख के नहीं होती कि ये CBSE है, ICSE है, ISC है, स्टेट बोर्ड है, वेस्ट बंगाल बोर्ड है, UP बोर्ड है, वो देख के नहीं होता। ये जो होती है टोटल तुम्हारा नंबर खास भी हो, आपका 10+2 का नंबर चाहिए, वो आप कौन से भी बोर्ड से क्लियर कर सकते हो, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपको 10+2 में आपका 75% नंबर, तो आप जिस भी बोर्ड से हो वो चीज यहाँ पे मायने नहीं रखता। ओके, और चलिए बढ़ते हैं। वो रोशन का ही दूसरा एक क्वेश्चन मैंने पिक किया है, वो कहा था और एक क्वेश्चन कि सर आई हैव ऑब्टेंड 63% इन बिहार बोर्ड 2020, एम आई एलिजिबल फॉर NIIT एंड IIT प्लीज रिप्लाई। तो देखो भाई, मैं तुमको यही तो चीज़ कह रहा था कि जो 75% नंबर का जो कोटा है वो कोटा नहीं रहा इस साल के लिए, तो 63% से तो तुम जो है दे सकते हो एग्जाम, और एग्जाम देखिए क्लियर कर दिया। तो NIIT और IIT में पिछले साल आप IIT का एग्जाम देने जाते थे तो वो एग्जाम आपको क्लियर नहीं होता, आपको उन्होंने जो है एडमिशन नहीं देते। बट इस साल का जो कॉन्डिशन है उस कॉन्डिशन के मद्देनजर रखते हुए आप एडमिशन जो है वो पा सकते हो। ओके, 100% वो पा सकते हो, बिहार बोर्ड से भी हो कोई भी बोर्ड से हो, वो मायने नहीं रखता। और डियर स्टूडेंट्स, मैं एक चीज ये वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज मैं आपको गौर करना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स आप सर बहुत सारे लोग जो है नोट और जो और नोट कह लो और विभिन्न जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो बुक्स है वो आपके पास सब समय जो है अवेलेबल रहता है। आप जब भी JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो, JEE मेन हो सकता है, एडवांस हो सकता है, बट द थिंग इज दैट आप लोगों के पास प्रॉपर गाइडेंस, वो गाइडेंस नहीं रहता। ये मैं 100% कह सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नोट्स रहता है, जो है क्वेश्चन रहता है, बट जो है प्रॉपर गाइडेंस के लिए वो JEE मेन क्लियर नहीं कर पाते। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रॉपर गाइडेंस चाहिए ना आपको, कैसे सिलेबस फिक्स करना है, कौन कौन सी जगह को जोड़ देना है, कौन कौन सी जगह में आपको छोड़ देना है, उसको जो प्रायोरिटी ज्यादा देना है, किसको गाइड ज्यादा करना है। ये जो गाइड जो है ना आपको प्रॉपर गाइड सिलेबस के वाइज और आपके लाइफ के वाइज सब गाइड जो है ना आपको मिलेगा JEE वे। एक संस्था अभी रिसेंट आया है, आप इस संस्था में जाके इनका जो वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, All About IIT JEE.in, नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनका लिंक दिया हुआ है,
आप स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपका प्रॉपर गाइडेंस चाहिए ना, प्रॉपर गाइडेंस के लिए इस वेबसाइट को विजिट करो। इससे आपका क्या एक चीज तो क्या होगा कि आप लोगों का जो डाउट्स है ना एक क्लियर कर पाएगा IITians, तो वहां पे जो सारे जो है फैकल्टीज है वो IITians है, वो सब आपका जो है डाउट है क्लियर कर पाएगी। अब आप कुछ IITians से कुछ कोचिंग लेना चाहोगे तो आपका हजार रुपया जो है लाख रुपया जो है खर्च हो जाते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 100 रुपीज पे जो है आपका कूपन गाइडेंस आपको मिलेगा एक कॉल के थ्रू। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन पे मेरा जो कूपन कोड है, मेरा कूपन कोड को यूज करो। आप मेरा कूपन कोड नीचे देख सकते हो, मैंने एक जो है मार्क लगा के रखी है, वहां पे देख सकते हो कि ATE70 को यूज करो कूपन कोड को, तो आपका 30% जो है डिस्काउंट हो जाए। मीन्स मात्र 70 रुपया में ना आपको IITians का गाइडेंस मिलेगा एक कॉल्स के थ्रू, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आपका जो है करियर चेंज करने में बहुत बड़ा भूमिका रखेगी। तो प्लीज जाओ विजिट करो, डिस्क्रिप्शन भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके अपना जो भी क्वेश्चन है IITians के साथ सॉल्व करो मात्र 70 रुपया में। तो जाओ आज ही विजिट करो। तो अभी चल बढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, जो क्वेश्चंस मैं ले रहा था, तो मैं दूसरा क्वेश्चन अब चले आते हैं मेरे और एक क्वेश्चन पे। तो ये है गोलू सिन्हा का, आप देख सकते हैं गोलू सिन्हा का जो क्वेश्चन है, This is also applicable for admission in NIT. Please reply sir. तो देखो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में बार बार आ रहा है, वो IIST हो गया, वो NIT हो गया। देखो ये जो IIT है ना, ये सेंट्रल बोर्ड के थ्रू काम करती है, ओके, सेंट्रल बोर्ड के थ्रू काम करती है। तो सेंट्रल बोर्ड ने जब IIT के लिए कोई फॉर्मूला लाया है, तो सिमिलरली है ना कि NIT तो सेम कैटेगरी में पड़ती है। NIT का ट्रेडमार्क जो है नेम चेंज है, नेम जो है डिफरेंट है, बट ट्रेडमार्क काम तो एक ही करती है ना, ये सेम लेवल सेम चीज ही उनको चलाती है। मीन्स सो ये तो चीज ही है, ये तो कहने की पते की बात है कि IIT में जो नियम चालू है NIT में पक्का चालू होगा। हाँ ये चीज एक ठीक है कि अभी तक नोटिस नहीं आया, बट ये 100% जान लो, लिख लो कि आप लोग NIT में जो जानना चाहते हो 75% नंबर आपके पास नहीं है, बट इस साल आप जा पाओगे, 100% जा पाओगे, ये तो गारंटीड है, ये लिख लो तुम। आज नहीं हुआ तो कल ये चीज आपके सामने खुलासा हो जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं, चलिए मयंक कुमारी का एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ओनली फॉर IIT आई विश टू गेट NIT एडमिशन, बट माई मार्क्स इज इन बोर्ड 70%, वुड आई स्पॉइल फॉर NIT एडमिशन, प्लीज रिप्लाई। सो सेम क्वेश्चन, 70% है तो प्रॉब्लम क्या है, इस साल NIT का एडमिशन होगा, इस साल IIT का जो प्रोसेस शुरू हुआ है ये प्रोसेस NIT के लिए भी आएगा, थोड़ा देर होगा बट नोटिस आएगा। मैं 100% गारंटी हूँ आप लोगों को, NIT में 75% बोर्ड्स में नंबर नहीं रहा तो भी आप लोगों का एडमिशन होगा, ओके। तो क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है, उसके बाद चले जाते हैं। आयुषी का एक क्वेश्चन है, आयुष के क्वेश्चन है, देख सकते हैं, आई हैव 67% इन 12th पास इन 2018, एम आई एलिजिबल फॉर NIT कॉलेजेस, ओके। तो एक चीज ये भी नोटिस में, जो गवर्नमेंट का नोटिस है उसमें क्लियर नहीं करा गया है कि कौन सी साल के लिए एप्लीकेबल है। तो एक चीज बहुत क्लियरली जान ले, तो आप कहां भी एडमिशन लेने जाते हो ना, प्रायोरिटी दिया जाता है उसी करंट साल को, मींस 2020 में काम कर तो 2020 को, बट उसके साथ जो है प्रायोरिटी दिया जाता है उससे पिछले साल को, मींस 2019 को मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आप हर जगह पे जाओ एडमिशन लेने के जाओगे तो देखोगे इस साल को प्रायोरिटी दिया जाता है और इससे पहले साल को, पहले सीजन को प्रायोरिटी दिया जाता है, दो सीजन को सब जगह में प्रायोरिटी दिया जाता है, तो उसको चीज को मद्देनजर रखते हुए। तो एक चीज तो क्लियर है कि 2019 और 2020 जो है वही सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे फैसिलिटी पाएंगे, बस वो सारे स्टूडेंट्स 18 के हो गए वो फैसिलिटी मुझे नहीं लगता वो पाएंगे, एज बिकॉज पाना नहीं चाहिए एज पर द जैसे जो है गवर्नमेंट रूल्स और जो काम जैसे होती है। बट अभी कॉन्फर्म नोटिस तो नहीं आया, बट नोटिस के बाद भी मैंने एक्सपीरियंस से कहते थे 2018 का जो स्टूडेंट्स है 17 का स्टूडेंट्स के वो ये लाभ नहीं उठा पाएंगे, सिर्फ 2019 और 20 के स्टूडेंट्स जो है ये लाभ पाएंगे, ओके। तो और भी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, जैसे आप देख सकते हैं हैरी का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे कहा गया है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स और ओनली 2020। तो इनका भी सेम क्वेश्चन है कि
2020 के लिए है और किसी साल के लिए है। तो पिछले क्वेश्चन पे मैंने क्वेश्चन जो आया था उस पर तो आंसर दिया कि 2019 और 20 में ये जो है स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होगा। आप 2021 में दोगे, आप 2018 में दोगे, आपके लिए ये जो प्रोसेस है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मेरे हिसाब से ये चीज होगा और मुझे लगता है यही 100% होगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये हैरी का ही मैंने एक क्वेश्चन और भी चूज किया है। ये क्वेश्चन किए थे कि हाउ वाज 75% कैलकुलेटेड इफ द बोर्ड हैव वन लैंग्वेज टू इंग्लिश थ्री फिजिकल फोर केम और फाइव बायो एंड सिक्स मैथ। तो तुम्हारे पास छह सब्जेक्ट रहती है, आप 10+2 में छह सब्जेक्ट रहती है, आप सब लोग जानते हो छह सब्जेक्ट आपके पास रहती है। तो उनमें से बेस्ट ऑफ फाइव वहां पे आपको लिया जाएगा। आप वो बेस्ट ऑफ फाइव में लैंग्वेज होगा कि मैथ्स होगा कि केमिस्ट्री रहेगा कि बायोलॉजी बाद जाएगा कि निकल जाएगा क्या होगा, ये चीज कभी नहीं होगा। बेस्ट ऑफ फाइव आपका पहला पांच सब्जेक्ट, जिस पांच सब्जेक्ट में आप टॉप नंबर पाए हो उस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट में 75% जो है कैलकुलेट किया जाता है वो हर साल के लिए। बट इस साल में वो नहीं होगा, इस साल में तो कोई नंबर का जो है फैक्शन ही नहीं रहा। इस साल में जो है आप फेल नहीं हुए हो, फेल के ऊपर नंबर पाए हो तो आप IIT NIT के एलिजिबल हो। और बात नहीं 75% और पिछले साल और अगले वाले साल पे जो 75% चाहिए ना, वो 75% है आपका बेस्ट ऑफ फाइव से। पहला पांच अच्छे नंबर जो टॉप किए हो आप जिस सब्जेक्ट पे, वो पांच सब्जेक्ट का टोटल करके उसका 75% लेते हैं। ओके, तो यही कुछ क्वेश्चन मेरे पास आया था। मैं इस वीडियो को इसलिए डाउट क्लियरिंग एक वीडियो बनाया, मुझे लगता है बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स का इसे जो है लाभ होगा। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कहा JEE के बारे में, JEE में जाइए, ऑल अबाउट JEE.in डिस्क्रिप्शन पे लिंक तो पहले मैंने आपको क्या प्रोवाइड किया जा चुका है, वहां पे जाइए। IITians का प्रॉपर गाइडेंस ओनली 70 rupees पे, और यूज करना मत भूले मेरा जो कूपन कोड है AET70, ये यूज करोगे 30% डिस्काउंट हो जाएगा और मात्र 70 rupees में आपका IITians का कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो सब प्रॉब्लम वो IITians सॉल्व करेंगे, IITians के साथ डिस्कशन होगा आप लोगों का। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों के नया ओपन हुआ है, अभी जाइए, अभी रजिस्टर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे रहिए और अच्छी तरीके से IIT का प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।